अभी हमारा कैपिंग हो गया, तो कितना लेयर में कैपिंग हुआ और कैसे मारे हैं थोड़ा बताइए। ये हमारा कैपिंग हो गया, ये हमारा 6 लेयर में कैपिंग हुआ है। अच्छा अच्छा और जब भी हम इसको पहले हमारा फाइनल मारने से पहले बराबर फिलअप होना चाहिए। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा जॉइंट फिलअप हो गया और अभी हम इसके ऊपर मल्टी पास करके कैपिंग मारेंगे। तो अभी कैपिंग चालू होने के पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैपिंग कैसे मारना है। तो अभी कैपिंग का पहला लेयर कैसे करेंगे? अभी ये हमारा होल्डर का जो डिग्री रहेगा रोड का, हाँ हाँ, तो ये 45 में रहेगा। अच्छा, और जो हमारा जो पहला लेयर रहेगा उसको तो कभी भी होल्डर का ये फोकस ऊपर को रखने का, हाँ हाँ, और लाइन पकड़ के सीधा जाने का। अच्छा, पहला लेयर में मूविंग नहीं भी करेगा तो चलेगा, थोड़ा आराम से करके थोड़ा हाइट देगा। हाँ हाँ, तो उसके बाद हम दूसरा पास शुरू करेंगे। हाँ, दूसरा फिर ग्राइंडिंग करके दूसरा लेयर का। हाँ, दूसरा लेयर मारने के लिए हमको पहला जो लेयर मारा है उसमें आधा पकड़ना पड़ेगा। हाँ, जो हम पहला लेयर मारेगा उसको आधा पकड़ेगा, उसका भी फोकस हम ऊपर को रखेगा। अच्छा, अभी इसका जो भी जितना भी रहेगा मतलब रॉड का डिग्री ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहेगा, इसका फोकस हमको पूरा ऊपर को रखेगा ताकि हमारा फाइनल बराबर हाइट में आएगा, बराबर लेवल आएगा। हाँ हाँ, और तो पावर कितना लिए हैं? पावर अभी हमारा 130 है। अच्छा, 30-35 ले सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कैपिंग चालू हो गया, कैपिंग हमारा 5 या 6 लेयर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। फिलअप बराबर होगा, कैपिंग भी बराबर आएगा। आप देख रहे हैं कैपिंग, पहला लेयर कैपिंग आपको दिखा रहा हूँ, बाद में दूसरा लेयर कैपिंग चालू करने के टाइम ग्राइंडिंग करना पड़ेगा और ग्राइंडिंग करके इसमें आधा पकड़ के फिर दूसरा लेयर मारना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं हमारा एक लेयर हो गया और अभी आप देखिए हमारा पावर बराबर रहेगा और वेल्डिंग अच्छा होगा तो ये जो हमारा स्लैग है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे बाहर आया है, तो हमारा पावर बराबर रख के मारना चाहिए। आप देख रहे हैं एक पास हो गया और एक पास को ग्राइंडिंग हो गया, ग्राइंडिंग करके अभी मारना है। अभी दूसरी पास चालू करेंगे तो कैसे होगा? दूसरी पास हमारा रोड का डिग्री सेम रहेगा, पावर भी सेम रहेगा। जो हमारा दूसरा लेयर है उसको हम थोड़ा आगे पीछे करके उठाएगा। जो अभी दूसरा लेयर रहेगा हमारा, ये जो पहला लेयर है उसका आधा पकड़ के इसका फोकस हम ऊपर को रखेगा और आराम से जलते हुए चला जाएगा। अच्छा अच्छा, पावर सेम रहेगा अपना। अच्छा, इसमें आधा पकड़ना है और ऊपर जाना है। हाँ ठीक, अगर चाहो तो मूविंग भी कर सकते हो। हाँ हाँ, अगर मूविंग नहीं करना तो भी पतला मारना, अगर आपका फिलअप बराबर है तो मूविंग करने की जरूरत नहीं है। अगर फिलअप अप डाउन है तो फिर थोड़ा मूविंग करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक, अभी हमारा दूसरे लेयर वेल्डर चालू हो गया।
अभी हमारा कैपिंग कितना पास हो गया? ये हमारा कैपिंग अभी 5 पास हो गया है। अच्छा अच्छा, अभी एक पास और मारना है, इसमें लास्ट 2 पास है हमारा, ये 5 पास है। अभी हमने ग्राइंडिंग कर दिया, लाइन मार दिया बराबर ये। अभी इसमें क्या है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, इसलिए हमको पावर थोड़ा बराबर एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ पे अगर ये ज्यादा हमारा चौड़ा है तो हमको थोड़ा सा पावर बढ़ा देना चाहिए, ताकि आर्क फोकस होगा थोड़ा फैल जाएगा, फैलेगा तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा पावर बढ़ा के रखा, 5% पावर बढ़ा दिया है। अभी वहाँ पे रॉड जलाएंगे तो मूविंग हमको कितना करना पड़ेगा? इसमें ये हमारा ज़्यादा मूविंग तो नहीं है, बस खाली जो हमारा लेयर है, लेयर को लेयर का आधा पकड़ के उसका फोकस थोड़ा सा ऊपर को रखना है, और रोड का जो आर्क लेंथ है वो 3 mm 4 mm 3 mm रखने का आर्क फोकस हाइट, ताकि हमारा जो उसका फिनिशिंग रहेगा लेवल बराबर रहेगा, बराबर रहेगा उसमें। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा लास्ट लेयर चालू हो गया, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे मूविंग हो रहा है रॉड लास्ट लेयर में। अभी आप देख सकते हैं इधर 5 लेयर कैपिंग हुआ है, 1 लेयर और बाकी है, अभी वेल्डिंग हो रहा है 1 लेयर, पूरा कैपिंग होने के बाद आपको दिखाऊंगा। हमारा लास्ट लेयर वेल्डिंग चल रहा है, अभी हमारा कैपिंग हो गया, तो कितना लेयर में कैपिंग हुआ और कैसे मारे हैं थोड़ा बताइए। ये हमारा कैपिंग हो गया, ये हमारा 6 लेयर में कैपिंग हुआ है। अच्छा अच्छा, और जब भी हम इसको पहले हमारा फाइनल मारने से पहले बराबर फिलअप होना चाहिए। अच्छा, हमारा फिलअप हो गया तो नीचे वाला लाइन बराबर सीधा मारो, उसके बाद ग्राइंडिंग करके पूरा क्लीन करो उसको, उसके बाद जो हम रोड मारेगा पहला लेयर जो मारेगा लाइन पकड़ के, लाइन का एज पकड़ के सीधा चलो उसको अच्छा से, अच्छा पावर कम से कम 130-135 रखो। पहला पास मार दिया, उसके बाद पहला पास को बराबर ग्राइंडिंग कर लेने का, लाइन मार लेने का, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मार लेने का, अगर स्टार्टिंग पॉइंट आता है तो उसको मार दो, नहीं तो नहीं आना चाहिए। उसके बाद दूसरा लेयर जो मारेगा, जो हम पहला लेयर मारा है उसके बाद जो हमारा दूसरा लेयर है, पहला लेयर का आधा से जो ये हाइट आता है, हाइट का अंदर से लेना चाहिए रोड का फोकस, रोड का फोकस अंदर से लेगा तो बराबर उसका फोकस को हमको हल्का डिग्री में ऐसे ऊपर को रखना है, ताकि हमारा मेटल बराबर बैठेगा, ऊपर बराबर मेटल बैठेगा, नीचे बराबर बैठेगा, और आर्क फोकस 2 mm 3 mm उठा के चलने का रोड को, रोड को उठा के चलेगा तो हमारा फिनिशिंग बराबर आएगा, अगर रोड को हटा के जाएगा तो बीच में नाली नाली जैसा आ जाएगा, जैसे डिसबैलेंस होता है हमारा, तो ये आ जाता है थोड़ा हल्का गैप जैसा, नहीं तो लेयर के ऊपर लेयर बराबर बैठा रहेगा। तो ऐसे ही जो दूसरा लेयर भी हो जाएगा उसको भी क्लीन करने का, ऐसे ही मतलब जो लेयर मारा है उसका आधा पकड़ के चलने का, तो हमारा फाइनल अच्छा आएगा, और आर्क का फोकस हमेशा हल्का ऊपर को रखो, ऊपर को रखेगा तो हमारा जो ऊपर रहेगा वो बराबर बैठेगा मटेरियल, और ये जब लास्ट पास है उसको भी ऐसा ही मारेगा तो हमारा ये अंदर कट कुछ नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, तो ये हम ऐसा फाइनल मारा है, बराबर आया है, देखो कितना क्लीन है, लेयर बाय लेयर दिख रहा है हमारा, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा, पाँचवा, छठा लेयर, 6 लेयर में हमारा फाइनल हुआ है। कैपिंग अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जैसा आप लोग को बताया गया वैसा ही कैपिंग करना है। छह लेयर में मल्टीपास वेल्डिंग हुआ है, कैपिंग हुआ, आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ओके दोस्तों, अभी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी पूछना हो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।